लखनऊ में थाना पारा इलाके के दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस इलाके से यहां पर लखनऊ पुलिस की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ बदमाशों ने दो घरों में डकैती और लूटपाट के दौरान एक नाबालिग मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सनसनीखेज वारदात के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने गैंगरेप के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। घर वालों का यह कहना है कि रात थी, अंधेरा ज्यादा था, इसलिए वो बदमाशों को सही तरह से पहचान नहीं पाए। हालांकि उनके मुताबिक 6 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आप सब लोग यहीं रहते हैं? 12-13 आदमी। आपकी लड़की को जैसे कहा जा रहा कि रात में लेके गए थे, कहां ले गए? लड़के कहां गए हैं? जब पल्ला तोड़ चुके हैं, जब हम लोग भागे हैं, तब उसको लड़की को पकड़ लिया, तब गोहराया है। और कब लड़की आपकी मिली है? लड़की कब? आधा घंटा बाद मिली है। फायरिंग भी करी थी क्या? हाँ, फायरिंग भी। किसको किसको मारा? हमका मारे, हम पत्नी मारे, बच्चे ने मारे। और क्या घर से क्या क्या ले गए? घर से लड़के का गए, कपड़ा लत्ता लेके गए, बर्तन गए हैं, और माल जेवर गवा है। जेवर गया। पुलिस क्या घंटे बाद पहुँची? पुलिस आधा घंटे बाद पहुँची है।